देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, एक सिक्का सम सर्वाय सर्वाय संतुलित नहीं है, एक सिक्का सम सर्वाय संतुलित नहीं है जिसमें चित्र प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की तीन गुनी है। ठीक, यदि सिक्का दो बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, एक्स हो जाएगा पटों की संख्या। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो x जब सिक्के को उछालेंगे तो उसमें चित और पट आने की जो संभावना वो बराबर नहीं है। क्या है इसमें, कह रहे कि जितना जिसमें चित प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की तीन गुनी है, मतलब जितना पट प्रकट होने की संभावना उसे तीन गुना किसमें चित की है। ठीक है ना, तो चित आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता कितना जाएगा तीन बटे चार, और पट आने की प्रायिकता पट आने की प्रायिकता कितना एक बटे चार, क्योंकि पट के तीन गुना हो जाएगा चित्र। ठीक है, तीन बटे चार और एक बटे चार, एक्स जो है वो पटों की संख्या है, तो सिक्के को कितने बार उछाला जाता है, दो बार उछाला जाता है, तो x का जो मान है लिख देंगे, चूंकि सिक्के को दो बार उछाला जाता है इसलिए x बराबर जीरो एक और दो हो सकता है। इसके अगर प्रतिदर्श समस्या बनेंगे, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि के क्या हो सकते हैं, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ये चार संभावना हो सकती है सिक्के को अगर दो बार उछा लेंगे तो। देखो पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर जीरो, तो पी एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी पट नहीं होगा, तो क्या होगा हेड हेड, मतलब इसमें भी हेड आएगा और दूसरे में भी हेड आएगा, तो एक की हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना, तीन बटे चार, तीन बटे चार, ठीक ना, इन टू तीन बटे चार, दूसरे की हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तीन बटे चार, तो इसका जाएगा नौ बटे सोलह। देखो नेक्स्ट पी एक्स बराबर कितना वन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगा एक टेल आएगा, एक टेल किस किस में हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड, मतलब या तो हेटेल आएगा या टेल हेड आएगा, तो हेटेल आने की प्रोबेबिलिटी तीन बटे चार, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तीन बटे चार है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना एक बटे चार, प्लस क्योंकि ये या ये इसमें दोनों में या जब बढ़ाएगा तो क्या जाएगा प्लस का, एक बटे चार गुणा तीन बटे चार, जाएगा तीन बटे सोलह प्लस तीन बटे सोलह, सोलह सोलह जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा नौ, सॉरी छह, छह बटे सोलह, बटे सोलह। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा पी एक्स बराबर टू, पी एक्स बराबर टू का वैसे जब दोनों क्या हो टेन टेन हो, दोनों टेन टेन, तो पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है एक बटे चार, दूसरे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना है एक बटे चार, तो एक बटे सोलह, ठीक है, तो इसका प्रायिकता बंटन हो जाएगा, प्रायिकता बंटन हो जाएगा एक्स पी जीरो एक दो, देखो जीरो पे नौ बटे सोलह, ये जाएगा सोलह छह बटे सोलह, अरे जाए एक बटे सोलह, देखो नौ दस दस अच्छे सोलह, सोलह बटे सोलह कितना जाएगा एक, इसका मतलब बंटन हमारा ठीक है। सिक्स नंबर देखता हूँ, देखो क्वेश्चन में एट दे रेखा एक प्रैक्टा बंटन दे रेखा इसका, ठीक है, इस प्रेक्षावंटन में ज्ञात करना है जिसको ये करना के का वैल्यू निकालना है, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी निकालना पी एक्स लेस देन थ्री, नेक्स्ट पी एक्स ग्रेटर देन थ्री, एंड पी एक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर एंड थ्री से लेस का वैल्यू निकालना है। तो देखो जब प्रेक्षावंटन देखो तो प्रेक्षावंटन में जो प्रेक्षा है इनका टोटल सम कितना होता है जीरो होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समेशन ऑफ पी एक्स इसके बराबर होना चाहिए
वन के बराबर होना चाहिए तभी हमारा फ्रैक्टल बंडल वैलिड होगा। तो यहाँ पे जगह जीरो प्लस के प्लस टू के प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस के स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर प्लस सेवन के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू सॉरी देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो ये जगह नाइन के प्लस एक दो तीन तीन दस के स्क्वायर वन को दे लिया तो माइनस का वन बराबर जीरो तो टेन के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस वन बराबर जीरो। अब नौ का सॉरी दस का ऐसा फैक्टर बनाना जोड़ने का डर कितना है नौ है तो टेन के स्क्वायर प्लस का टेन के माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ से दस कॉमन आ जाएगा दस के फिर के प्लस वन यहाँ से माइनस वन कॉमन रहेगा ठीक है ना तो के प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो के प्लस वन दोनों में से कॉमन आएगा और रह जाएगा यहाँ से दस के माइनस एक बराबर जीरो तो के प्लस वन बराबर जीरो और यहाँ से दस के माइनस वन बराबर जीरो यहाँ से के का वैल्यू आएगा माइनस का एक यहाँ से के का वैल्यू आएगा एक बटे दस। अच्छा देखो के बराबर माइनस वन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्यों नहीं होगा वैलिड क्योंकि यहाँ पे के मन रखेंगे तो माइनस का वन आएगा माइनस का टू आएगा माइनस का टू आएगा माइनस का थ्री आएगा और प्रोबेबिलिटी का कोई माइनस में नहीं है तो इसके के बराबर वन वैलिड नहीं है। के बराबर कितना है वैल्यू वन बाई टेन ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट निकालना है इसका कि पी एक्स लेस देन थ्री इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो एक्स का वैल्यू जो है थ्री से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है एक्स बराबर जीरो हो सकता है प्लस पी एक्स बराबर कितना हो सकता है वन हो सकता है प्लस पी एक्स बराबर कितना हो सकता है टू हो सकता है थ्री नहीं हो सकता कहां तक होगा जीरो से लेके टू तक। जीरो की प्रोबेबिलिटी कितना है जीरो है वन की प्रोबेबिलिटी कितना है के एंड टू की प्रोबेबिलिटी कितना है टू के तो कितना है टू प्लस वन कितना थ्री के और के का वैल्यू है हमारे पास एक बटे दस तीन बटे दस सेम ऐसे तीन बटे दस है। नेक्स्ट है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स देखो पी एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है छह से बड़ा सात ही है तो इसका मतलब पी एक्स बराबर कितना जाएगा सेवन और पी एक्स बराबर सेवन वैल्यू कितना है सेवन के स्क्वायर प्लस के वैल्यू रखते ना सात इंटू के का वैल्यू एक बटे दस इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक बटे सौ प्लस एक बटे दस एलसीएम हो जाएगा कितना सौ बटे ठीक ना। तो यहाँ पे सात प्लस दस का तो मल्टीप्लाई आएगा दस तो कितना आएगा सत्रह बटे दस सौ ठीक ना। ऐसी फोर्थ निकालेंगे हम क्या एक पी जो है जीरो से बड़ा लेकिन तीन से छोटा तो इसका मतलब क्या हो सकता है पी एक्स बराबर वन और प्लस पी एक्स बराबर टू इसकी प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा तीन बटे दस निकाल देना ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन px निम्न प्रकार से है जहां k कोई संख्या है ये दे रखा है px बराबर k 2k 3k और 0 यदि x का वैल्यू 0 1 2 और अन्य दे रखा है अन्यथा 0 हो जाएगा मतलब दो तक वैलिड है ये। फर्स्ट निकालना है k का मान निकालना है सेकंड p का मान निकालना है जब x का वैल्यू लेस देन 2 होगा पी का वैल्यू निकालना है जब एक्स देन एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगा और पी का वैल्यू निकालना है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ठीक। फर्स्ट हमें निकालना है के का मान तो इसके लिए ठीक ना वी नो दैट समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू कितना होता है वन तो यह के प्लस टू के प्लस थ्री के इक्वल टू वन ये जगह सिक्स के इक्वल टू वन तो k बराबर जगह वन बाय सिक्स k का वैल्यू आ गया। सेकंड कंडीशन में मैं निकाला पी एक्स लेस देन इक्वल टू टू एक्स लेस देन इक्वल टू 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 से लेस का मतलब क्या हो सकता है वन एंड जीरो मतलब जब पी एक्स बराबर जीरो और पी
एक्स बराबर तो p x बराबर जीरो के p का वैल्यू कितना है k x बराबर वन पे k का वैल्यू कितना है टू के बराबर थ्री के फिर k का वैल्यू एक बटे छह तो तीन गुणा एक बटे छह तीन गुना छह तो एक बटे दो आएगा इसका आंसर ठीक ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहे हैं पी एक्स लेस देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू में क्या जाएगा पी एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी एक्स इक्वल टू वन प्लस पी x इक्वल टू टू देखो कितना आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी दो से छोटा हो तो उसके दो के बराबर तो k प्लस टू के प्लस थ्री के बराबर कितना जाएगा सिक्स के और सिक्स के बराबर कितना जाएगा वन ठीक है अच्छा थर्ड नेक्स्ट हमें निकालना है p x ग्रेटर देन इक्वल टू p x ग्रेटर देन इक्वल टू टू से बड़ा तो कुछ है ही नहीं इसमें लेकिन टू के बराबर है टू के बराबर कितना p x बराबर टू तो p x बराबर टू के वैल्यू कितना थ्री के थ्री के तो थ्री इंटू वन बाय सिक्स डिवाइड कर देंगे टू आएगा तो वन बाय टू जिसके वन बाय ठीक है क्लियर देखो क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन में टेन कह रहे हैं कि एक नए सिक्के को तीन बार उछाला गया ठीक है ना और प्राप्त चित्रों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं और उसको उछालने पर प्राप्त चित्रों की संख्या का क्या निकालना है माध्य निकालना है क्या निकालना है पहले प्रायिकता बंटन बनेगा फिर जाके माध्य निकलेगा ठीक है तो सबसे पहले प्रायिकता बंटन निकालते देखो चीतों की संख्या x को x रिप्रेजेंट करते हैं चीतों की संख्या कितनी बार उछाले सिक्के को तीन बार उछाले प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या बनेगी प्रतिदर्श समष्टि हेड 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 टेल हेड टेल हेड 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 टेल ठीक है टेल 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 या हेड टेल 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 हेड टेल और टेल टेल कितने बनेंगे एन एस इक्वल टू एच ठीक है देखो एक्स हो गया चित्रों की संख्या एक सिक्के को तीन बार उछालते हैं तो एक्स का मान क्या हो सकता है एक्स बराबर हो सकता है जीरो एक दो और तीन क्योंकि तीन बार उछाल है ना तो जीरो से लेके तीन तक हो सकता है जीरो से लेकर तीन तक हो जाएगा इसके प्रतिदर्श सॉरी एक्स का वैल्यू तो इनकी प्रायिकता इनकी प्रायिकता क्या जाएगा एक्स बराबर जीरो इसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या है इसमें कोई भी टेल सॉरी हेड नॉ तो इसका मतलब टेल 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 होना चाहिए तो कितने का एक बटे ठीक अगर ऐसे नहीं निकालते हो प्रतिदर्श समष्टि निकाल करके नहीं निकालते हो तो सिंपली एक हेड को अगर इस सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा हेड की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो और टेल की प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा एक बटे दो हेड की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो टेल की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो तो टेल टेल आने की पहले टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो दूसरे टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो तीसरे टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो तो कितना एक बटे ऐसे भी कर सकते हो अगर प्रतिदर्श समष्टि नहीं निकालोगे ठीक है ना तो एक्स पे कितना जाएगा एक बटे आठ आएगा सेम नेक्स्ट पी एक्स बराबर एक इसका मतलब इसमें कितने एक हेड होंगे तो देखो हो सकता है हेड टेल टेल ये तो संभव ना हो सकता है हेड टेल टेल पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो दूसरे टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो इसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक बटे दो एक बटे आठ और क्या हो सकता है टेल टेल हेड और क्या हो सकते हैं टेल हेड टेल अरे बस सुनिए तो एक की प्रोबेबिलिटी इतना हो गया कितने संभावना है इसमें तीन तो इनटू क्या कर देंगे तीन क्योंकि सबकी यही होगी प्रोबेबिलिटी तो कितना जाएगा तीन बटे या डायरेक्टली अगर वैसे नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली तुम ऐसे कर लो क्योंकि इसमें तीन अनुकूल संभावित परिणाम है अनुकूल संभावित परिणाम कितने हैं आठ तो कितना जाएगा डायरेक्टली तीन बटे आठ ऐसे कर लो दोनों तरीके से आंसर मार के सेम आएगा कोई दिक्कत नहीं है
ऐसे पी एक्स बराबर कितना जाएगा टू, तो पी एक्स बराबर टू का मतलब क्या, टू दो हेड आएगा, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, कितने संभावना आएंगे तीन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितना जाएगा तीन बटे आठ। ऐसे पी एक्स बराबर तीन, तो इसमें कितने होंगे एक ही होंगे हेड हेड हेड, जब एक ही होगा तो क्या जाएगा एक बटे आठ। प्रैक्टर बंटन क्या जाएगा, प्रैक्टर बंटन ये बना देता हूं, दो एक्स जीरो एक दो तीन, पी प्रोबेबिलिटी कितना है एक बटे आठ, फिर तीन बटे आठ तीन बटे आठ एक बटे आठ, हमें क्या निकालना इसका माध्य निकालना प्रत्याशा, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई क्या मल्टीप्लाई कर दो जीरो इंटू एक बटे आठ प्लस एक गुणा तीन बटे आठ प्लस दो गुणा तीन बटे आठ प्लस कितना जाएगा तीन गुणा एक बटे आठ, कितना ये तो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा प्लस तीन बटे आठ, ये हो जाएगा प्लस छह बटे आठ प्लस ये हो जाएगा तीन बटे आठ, एड टेंशन सेम है तीन तीन नौ सॉरी तीन और तीन छह छह और छह बारह, तो कितने बारह बटे आठ डिवाइड कर देना चार से चातिया बारह चार दो ना आठ, माध्य कितना जाएगा तीन बटे दो मतलब एक बटे पांच, ठीक।